नमस्कार दोस्तों, आरओ टेक्निकल एक्सपर्ट्स में मैं अरुण भारद्वाज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं किस टाइप से एक बुरी तरीके से डेड आरओ को हमें रिपेयर करना है। ये देखिए, सबसे पहले तो आपको हम ये आरओ दिखाते हैं। ये आरओ का एडेप्टर है और बेसिकली ये आरओ जो है एडेप्टर से ऑपरेट किया गया था, क्योंकि इसमें जो हमें एडेप्टर देखने को मिल रहा है वो बहुत बुरी तरीके से मेल्ट हो चुका है। और ये हमारा बूस्टर पंप है, इस टाइप से आरओ हमें पूरा लगभग इस आरओ को हमें पूरा ए टू जेड पार्ट्स इसके चेंज करने लगभग। सबसे पहले अब हम इसका एक बार एसपीबी चेक करके देखते हैं कि भाई एसपीबी सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब आरओ लेने का मतलब ये नहीं होता, देखिए जिस पर्पज़ के लिए आपने लगाया है वो काम ही ना करे तो फायदा क्या, क्योंकि पानी का टेस्ट हमारे जो क्लाइंट है उनका कहना है कि ये पानी का टेस्ट ही नहीं आ रहा था। हमारे पास कंप्लेंट आई कि पानी का टेस्ट नहीं आ रहा, अरुण जी आरओ चेक करवा दीजिए। अब जब बंदा वहाँ पहुँचे तो वहाँ आरओ ओन ही नहीं था, इसका मतलब यह है कि ये देखिए हमारा यूवी बैरल है, अडेप्टर जो है हमसे बात होने के बाद जो है शॉर्ट हुआ है। ये देखिए ये हमारा अब एसएमपीएस इसमें लगा के हम एसवी चेक करते हैं कि भैया एसवी में भी कुछ जान है या एसवी डेड है, क्योंकि चीज़ें तभी मतलब सही या लॉन्ग लाइफ चलती है जब आप इसे टाइम टू टाइम सर्विस करवाते रहें। और ये देखिए एसवी ऑन ऑफ सही हो रहा है, हमने इसे चेक कर लिया है, लेकिन इसमें हम एसवी भी नया ही लगा देंगे क्योंकि इस एसवी की कंडीशन भी बहुत बुरी लग रही है। जब सारे पार्ट्स चाहे भले उसे जो चार्ज हमने अपने क्लाइंट से लिया है और उसमें कई बार रिपेयरिंग करते समय ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें अपनी तरफ से भी लगानी पड़ जाती है, क्लाइंट को नहीं बोला जाता कि आप इसके लिए पे कीजिए इसके लिए पे कीजिए, तो लमसम अमाउंट बता दिया जाता है। ये इसका मेम्ब्रेन हाउसिंग भी, इसके कलर से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितना पुराना ये आरओ है। और हमारे बेसिकली क्लाइंट जो कह रहे थे कि भी हमें नया आरओ लेना है, और ये कोई ऑनलाइन आरओ परचेज करने की बात कर रहे थे कि भी 5-5.5 हज़ार रुपये का ऑनलाइन आरओ मिल रहा है, 6 महीने की गारंटी है। तो जब हमने बताया कि भाई ऑनलाइन की जो क्वालिटी है, मैं माफ़ी चाहूँगा, जो जो हमारे प्लेटफॉर्म है वहाँ से अगर आप आरओ ख़रीदते हैं तो जो हमारे पास रिव्यू आते हैं या जो हमारा एक्सपीरियंस है कि वो उस आरओ की क्वालिटी में बहुत डिफरेंस रहता है, और जो चीज़ हम बना के देते हैं, देखो अगर कोई 5-5.5 हज़ार रुपये का आरओ आपको मिल रहा है और हमारी कोई चीज़ के प्राइस ज़्यादा है, तो यार कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो डिफरेंस ज़रूर है, क्योंकि हमारे पास ऐसी लगभग डेली 8-10 कॉल ज़रूर आती है जो कि और उन्हें हमने यहाँ ऑनलाइन आरओ परचेज किया था, अब उसमें फिटिंग नहीं हो पा रही है, फिटिंग के लिए कोई बंदा भेज दो, हम कंपनी में फ़ोन किए जा रहे हैं अभी तक तो कोई बंदा आया नहीं है। ये ऐसे हमारे पास कॉल्स आते हैं, तो हमने इनका जब आपका यही आरओ हम बढ़िया बना देंगे तो आप इसमें लगभग 90% इसके सारे पार्ट्स चेंज कर दिए जाएंगे, तो ये आरओ फर्स्ट क्लास चलेगा। और अगर कोई दूसरा आरओ भी लेने की अगर सोच रहे हैं तो भैया 8-10 हज़ार रुपये क्यों लगाया जाए, जब यही इसमें इसका बूस्टर पंप चेंज करके, मेम्ब्रेन चेंज करके, इसका यूवी सेट चेंज करके, फिल्टर ए टू जेड सारे पार्ट्स, ए टू जेड सारी पाइपिंग वायरिंग सारी नई कर दी जा रही है, तो सिर्फ हमें डब्बे के लिए क्या जरूरत है हमें पे करने के लिए। तो ये इसका बूस्टर पंप है, ये काम नहीं कर नहीं एक्चुअली इसका बेसिकली हमारे यहाँ से पहले कुछ समय पहले ये चेक किया गया था, इसका प्रेशर तभी इसका बहुत प्रेशर कम था, तो किसी तरह खींचे जा रहे होंगे, क्योंकि कई बार कुछ कस्टमर्स कुछ क्लाइंट का सिद्धांत ये रहता है कि भैया जब तक चले जा रहे इसे चलाओ, जब पूरा आरओ बैठ जाएगा ना उसके बाद ही जाके फिर इसे रिपेयर कराएंगे। और उसमें होता क्या है, एक तो हमें पानी सही नहीं मिलता, दूसरा अब अगर हमारे यहाँ 10 रुपये का खर्चा है तो बढ़ के वो 30 रुपये का खर्चा हो जाता है, जस्ट फॉर एक एग्जाम्पल। तो अब पूरा आरओ ये खोल लिया गया, सारे पुराने पार्ट्स इसके खोल लिए गए, सबसे पहले इसे क्लीन किया जा रहा है, तो देखिए कितनी बुरी कंडीशन में ये आरओ हमारे पास आया है। तो यार हमारी ड्यूटी बन जाती है कि एक बार सबसे पहले इसे साफ़ किया जाए, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार कुछ टेक्नीशियंस वगैरह होते हैं वो आए फिल्टर चेंज किए, फटाफट कोई टैंक साफ नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, कपड़ा भी नहीं मारा, ये ऐसे हमारे पास रिव्यू कस्टमर्स वगैरह देते हैं कि यार
काम में फ़र्क तो है। तो ये बूस्टर पंप हम इसमें लगाएंगे, 75 GPT का, बहुत बेहतरीन हमारा ट्रस्टेड ब्रांड ये, इसमें हम पंप लगा रहे हैं। इसमें नेक्सस के हम सेडिमेंट फिल्टर और कार्बन फिल्टर यूज़ करेंगे। ये मेम्ब्रेन भी लगाई जाएगी क्योंकि मेम्ब्रेन इसके बिल्कुल फ्री है, टेस्ट नहीं आ रहा है। तो ये देखिए, ये बल्कहेड, इवन बल्कहेड भी इसमें नहीं लगे हुए, डायरेक्ट पाइप दिया गया था। बहुत बुरी कंडीशन में हमारे पास ये आ रहा है, लेकिन फिर भी या जहाँ बच सकते हैं क्लाइंट के पैसे वहाँ बचाने की हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहती है, और हमारी सलाह पूरी दी जाती है, एक सजेशन अच्छा दिया जाता है अपनी तरफ से कि भाई क्लाइंट भी जो है एक हमारे से कोई सलाह मांगता है कि भाई अरुण जी क्या किया जाए, तो हमारी ड्यूटी बन जाती है। ठीक है, 1% जरूर कई बार खर्चे इतना ज़्यादा आ जाता है तो बोला जरूर जाता है, लेकिन जब बंदा काम करता है या जिस बंदा जो बंदा काम करता है उसे रियल में पता होता है कि भाई क्या चीज़ वो करके दे रहा है। देखो, या तो पत्थर मारने वाला हिसाब हो कि पत्थर मारा और भाग जाए बंदा, उसमें तो कुछ भी कूड़ा भी लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ लॉन्ग टर्म डीलिंग की बात आ जाती है तो वहाँ भैया हल्के पार्ट्स नहीं चलेंगे और पत्थर मारने वाला हिसाब नहीं करना चाहिए। अपनी तरफ से एक पैसा अपना मार्जिन कम कर लो, लेकिन चीज़ बढ़िया लगा के दो, मेरा अनुभव यही है। तो ये देखिए, इस टाइप से इसके स्क्रू वगैरह भी मतलब सारे रस्ट लगे हुए थे, तो हम इसमें प्रेफर नहीं करते कि जो बूस्टर पंप टाइट किया जाए उसमें स्क्रू लगाया जाए। तो ये सारे पार्ट्स इसमें लगाए जा रहे हैं, इसमें SMPS भी हैवी ड्यूटी का, हमारी अपनी तरफ से कोशिश रहती है कि लगा के दे। देखिए, अपनी तरफ से हमें तसल्ली रहती है कि हमने बढ़िया सामान लगा के दे दिया, बाकी अब उसकी लाइफ है कि भाई पानी की क्वालिटी कैसी है, पीछे से पानी कैसा आता है या फिर यूज़ उसका कितना होता है। लेकिन हमारे हमारे मन में ये डाउट नहीं रहता कि यार हमने घटिया पार्ट्स लगा के दे दिए, या ये लगा के दे दिया, वो लगा के दे दिया। यार हर जगह मार्जिन ही नहीं देखा जाता, हर जगह ये भी देखा जाता है कि एक हमारा कस्टमर बना रहे। तो ये सारे इसकी क्लैंप्स वगैरह भी, जब ये क्लैंप्स वगैरह पाइप वगैरह ये जो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, हमने क्लाइंट को नहीं बोला है कि आपको इसके लिए पे करना है, लमसम अमाउंट बताया है कि चल देखी जाएगी जो भी होगा। यहाँ अगर एक बिजनेस का एक रूल बताऊँ तो जो हमारा अनुभव रहा है, तो भैया कहीं से 10 रुपया बचता है तो कहीं से 2 रुपया बचता है, लेकिन 2 रुपया अभी बच रहा है आपको, अपना पेट मोटा मत करो भैया, छोटे में भी आप काम चलाओ, 2 रुपया अभी बच रहा है तो कस्टमर को छोड़ो मत। अगर आज 2 रुपये बच रहा है तो कस्टमर को अगर आपकी सर्विस बढ़िया लगती है या फिर आपकी डीलिंग अच्छी लगती है, तो वो 10 आदमियों को आप पर रेफरेंस भी देगा, वो कसर आपकी वहीं निकल जाएगी। ये कुछ हमारे अनुभव हैं जो सेल्स में हमने 20-22 साल से किए हैं, और यही कारण है कि 20-22 साल से हम लोग मार्केट में टिके हुए हैं। अपनी तरफ से प्रॉम्प्ट सर्विस और पूरा सर्विस दी जाती है। तो इस टाइप से ये पूरे पार्ट सब रेडी है असेंबलिंग के लिए। ये बूस्टर पंप को हम जो इंस्टॉल करते हैं, इसमें हम टाई बेल्ट का यूज़ करते हैं, इसमें स्क्रू वगैरह यूज नहीं करते, और इसमें अडप्टर हम नहीं लगाएंगे, इसमें SMPS लगाएंगे, क्योंकि जिस टाइप से हमें देखने को मिला कि अडप्टर की बुरी हालत थी, वो जल चुका है, कई बार हमारी RO की कैबिनेट जो होती है वो भी उसकी हीट से गल जाती है, तो वो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, कैबिनेट भी ख़राब हो जाती है, फिर उसके जुगाड़ करने पड़ते हैं। तो पहले अडेप्टर लगाए जाते थे, लेकिन अब SMPS में ये ज़रूर रहता है कि 1% फ्लो भले थोड़ा कम आ जाए बूस्टर पंप का, लेकिन वो जलने वाली समस्या नहीं आती कि भाई हमारी कैबिनेट को कोई नुकसान हो सकता है। तो ये इस टाइप से पाइपिंग वगैरह लगाई जा रही, जबकि इसमें TDS एडजस्टर भी नहीं था, TDS एडजस्टर भी लगाया जा रहा है, सेडिमेंट फिल्टर, कार्बन फिल्टर, SV भी नया लगाया जा रहा है, और जो कि ब्रांडेड है हैवी ड्यूटी का। आपको देखने से ही, अगर आपको थोड़ी नॉलेज है पार्ट्स के बारे में, ग्रैंड फोर्स का पंप, SLX का SV, ब्रांडेड फिल्टर्स और UV बैरल भी इसमें हम नया लगा के दे रहे हैं इसमें, तो अब क्या कमी रह गई इसमें, पूरा नया ही RO बन गया। तो अगर आप भी दिल्ली NCR से हैं और अगर आप हमारी सर्विस वगैरह चाहते हैं, तो आप हमसे ज़रूर संपर्क कीजिए,
और अगर आप नया आर ओ परचेज करना चाहते हैं कहीं भी, या अगर आप स्पेयर पार्ट मंगवाना चाहते हैं होलसेल में या रिटेल में, आप हमसे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं, आपको एक बेस्ट डील दी जाएगी, प्राइस दी जाएगी। और नया आर ओ परचेज करना है आपको या स्पेयर पार्ट मंगवाने हैं पूरे इंडिया में, कहीं भी आप हमसे मंगवा सकते हैं, कोरियर के थ्रू हमारे यहाँ डिलीवर करवाए जाते हैं। कई बार आदमी को डाउट आता है, या पता नहीं स्पेयर पार्ट भेजेंगे नहीं भेजेंगे, तो यार ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे डाउट आप मत रखिए। मन तो है स्पेयर पार्ट मंगवाने का अरुण जी से, यार आपकी वीडियो भी अच्छी लगती है अरुण जी, आप जो स्पेयर पार्ट लगाते हो हमारे एरिया में मिलते भी नहीं हैं, वो बढ़िया चलते हैं, लेकिन कहीं हमारे मन में ये डाउट आ जाता है यार हम यहाँ से पेमेंट कर दें और पता चले हमारे पास स्पेयर पार्ट ही नहीं पहुँच रहे, तो ये LED UV को हम चेक कर रहे हैं कि इसमें UV इसमें जो लगा हुआ था वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वो UV इसमें काम कर रहा है। तो यहाँ मैं ये कह रहा था कि अगर आप स्पेयर पार्ट मंगवाना चाहते हैं तो यार ऐसा कुछ डाउट मत रखिए, अगर आप पेमेंट करते हैं एडवांस ऑनलाइन, तो आपको जो स्पेयर पार्ट हमारी तरफ से बोला गया है या बोला जाएगा पूरी आपसे डिटेल ली जाएगी, तो पूरा आपको डिलीवर भी किया जाएगा। क्योंकि कई बार हमारे पास ऐसे भी कमेंट्स वगैरह आते हैं, कॉल्स वगैरह भी आते हैं, यार अरुण जी हमें कई बार जो ना फ्रॉड हमारे साथ हो गया है कि हमने जहाँ से पैसा भेज दिया स्पेयर पार्ट नहीं आया, या फिर जो स्पेयर पार्ट बोला था वो स्पेयर पार्ट नहीं आया, तो यार अपने से वो काम नहीं होते। है हमारे पास स्पेयर पार्ट अवेलेबल है तो साफ बोल दिया जाएगा, नहीं है तो भी बोल दिया जाएगा, क्योंकि हम टेक्निकली तो सारी रिपेयरिंग वगैरह करते रहते हैं, लेकिन यहाँ आज मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे कुछ दूसरे टॉपिक पर भी बातें हो रही हैं, क्योंकि अगर हमारी एक फैमिली है, YouTube फैमिली है, हमारे जो टेक्नीशियन भाई हैं या जिन्होंने भी हमारे 25,000 हमारे जो सब्सक्राइबर्स भाई हैं, तो कभी कभी इस टॉपिक पर भी बात करना ज़रूरी बनता है। अपने एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, कमेंट शेयर कर सकते हैं, अगर आपको किसी टॉपिक पे कोई दिक्कत आ रही है उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारी पूरी कोशिश रहती है। ये देखिए ये मेम्ब्रेन निकाली जा रही है अब इसमें से पुरानी, ये बाईपास मेम्ब्रेन है, तो बहुत बुरी कंडीशन में ये आर ओ था भैया, पानी भी सही नहीं आ रहा, मतलब अरुण जी पानी का टेस्ट है ना, जो आर ओ का टेस्ट होता है पता चलता है हम आर ओ का पानी पी रहे हैं, वो टेस्ट नहीं आ रहा, बिस्लेरी जैसा टेस्ट नहीं आ रहा, बिस्लेरी जैसा टेस्ट कैसे आएगा? तो यार टेस्ट तो तभी आएगा ना जब हम उसे थोड़ा मेंटेन करके रखें। तो देखिए इस टाइप से हमारा आर ओ पूरा लगभग अब असेंबल कर चुके हैं, फिल्टर्स वगैरह लगा लिए हैं, TDS एडजस्टर लगा दिए है, इसमें SMPS A to Z सारा नया लगा दिया है लगभग, और इसे टेस्टिंग की जा रही है और इसके बाद अब इसे डिलीवर किया जाएगा, बहुत जायज प्राइस हमने लिया है। और भैया अगर कोई एक साल की गारंटी लेता है तो चार्ज वगैरह भी थोड़ा ज़रूर रहता है, तो ये सारे बढ़िया पार्ट्स इसमें लगा दिए गए, आर ओ हमारा ओके हो गया, ये हमारा TDS एडजस्टर हो गया, TDS अगर अप डाउन करना पड़ेगा तो अप डाउन की जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, थैंक फॉर वॉचिंग।